हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ GTA 5 कार्ड्स इन GTA San Andreas। ठीक है, ये जो मोड पैक होने वाला है आप दो तरीके से अपने गेम में इंस्टॉल कर सकते हो। दो मेथड रहेंगे और दोनों में से आपको जो मेथड आता है वो मेथड आप अप्लाई करके इन कार्ड्स को अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। किस तरीके से करोगे वो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको GTA 5 के कार्ड्स मिलने वाली है। ठीक है, आप अपने GTA San Andreas के अंदर GTA 5 के कार्ड्स का एक्सपीरियंस ले सकते हो और जो GTA 5 में जो कार्ड्स होती है वो आप इस गेम के अंदर चला सकते हो। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगेन, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे इन कार्ड्स को, तो इन कार्ड्स को आपने कहीं ना कहीं GTA 5 के अंदर देखा ज़रूर होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो जितने भी कार्ड्स है यार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है देखने में, और इन कार्ड्स को हमने कहीं ना कहीं GTA 5 के अंदर भी देखा होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, इसका जो इंस्टॉलेशन होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यानी कि जो पहला मेथड होगा, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये DFF फाइल्स होगी और ओनली DFF फाइल्स ही होगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा। बट ये भी मेथड कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, बिकॉज इसके अंदर भी यार आपको जो है IMG टूल की हेल्प चाहिए होती है। सो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए ढूंढा है और वो चीज़ मैं अभी आपको इंस्टॉलेशन में बताने वाला हूँ। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन देखते हैं। सबसे पहले लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको दो फाइल्स मिलेगी, TFF ओनली और GTA 5 स्पोर्ट्स कार्ड्स मोड पैक। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड वाली फाइल देखोगे तो इसको पहले तो मैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ। पासवर्ड आप देख लेना, दोनों फाइल का पासवर्ड एक ही रहेगा और वो रहेगा यहाँ पे बाय सेफरॉन। ठीक है, नॉर्मली हर एक फाइल का जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसका पासवर्ड मैं जब रखता हूँ तो ये वो यही रखता हूँ बाय सेफरॉन स्मॉल में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होया करिए, एक्सट्रैक्टिंग होगी वो चालू हो जाएगी। ठीक है, एंड अब बेसिकली आपको करना ये होगा कि आपको अगर DFF मेथड आता है, यानी कि जो IMG टूल मेथड है वो आता है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं आता तो GTA 5 स्पोर्ट्स कार्ड मोड पैक को एक्सट्रैक्ट करके जो फोल्डर आपको मिलेगा उसको कॉपी कट करो। कॉपी कट करने के बाद में यहाँ पे आप एंड्रॉयड में जाओ, डाटा में जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करने को बोल देगा। ओके, हो गया आपका इंस्टॉलेशन। सो गाइस, हमने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन इंस्टॉल करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, और बेसिकली वो बात ये है कि आप जैसे अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, देन उसके बाद में आप अपने एंड्रॉयड डाटा के अंदर पेस्ट करोगे, तो उससे पहले आपके जो बेसिकली गेम का जो फोल्डर होगा उसको आप जो है कहीं पे जो है कॉपी पेस्ट करके, यानी कि उस जगह से आप रिमूव कर सकते हो, और जो फोल्डर आपको मैंने दिया था वो आपको पेस्ट करना है। ठीक है, सारी कार्ड्स को चलाने के लिए। इससे एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपका जो पुराना मोड होगा जो आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, जो भी ठीक है XYZ कुछ भी मोड आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, तो वो जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, और अगर आप चाहते हो कि वो रिमूव ना हो तो आपको DFF मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं बता दूँ, कुछ दिन बाद अब जो है DFF की वीडियो आने वाली है, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि DFF एंड TXT टूल से आप किस तरीके से फाइल्स को जो है पोर्ट कर सकते हो अपनी गेम के फाइल्स के अंदर, और किस तरीके से आप मोड को इंस्टॉल कर सकते हो, और आगे भी जितने भी मोड्स मैं अपलोड करने वाला हूँ सभी के सभी जो है इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर सीख लेना जिनको नहीं आती है, और आई थिंक कुछ लोग होंगे जिनको अच्छे से आती होगी चीज़, तो उनके लिए भी मैं बहुत अच्छी चीज़ अब लाने वाला हूँ। तो स्टे कनेक्टेड रहिए, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब आगे भी ऐसी वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में बैल नोटिफिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, बैल आइकन को अगर आप ऑल पे नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कब वीडियो अपलोड करी, और आप वीडियो मिस कर जाओगे, तो वो चीज़ करना मत भूलना। ठीक है, ऑल्सो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे मुझे आप मैसेज सेंड कर सकते हो, जो भी आपको मेरे से क्वेरी करनी है या फिर जो भी सजेशन देना है या जो कुछ बात करनी है DM कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी भेज सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा बेस्ट सर्वर है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है, बहुत मॉडरेटर्स है जो डिस्कॉर्ड सर्वर को हैंडल करते हैं, और एक बार जरूर डिस्कॉर्ड सर्वर चेक करिए, बहुत ही अच्छा सर्वर बना रखा है मैंने, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। ठीक है,
और बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा मैंने बड़ी वे में नहीं ली इसको, ज़्यादा लाइक इतना बड़ा नहीं खींचा, बहुत ही छोटी वे में वीडियो थी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगेन, और कमेंट में सजेशन देना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं किसी की भी कमेंट मिस नहीं करता हूँ, ठीक है। आप जो भी क्वेरी आपकी होती है, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है गेम से रिलेटेड या गेम क्रैश से रिलेटेड, गेम क्रैश हो रहा है आपका, तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।